सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। घर बड़ा हो या छोटा मगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। आज का पंचांग 1 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 7:21 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 5:44 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्र प्रदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:35 से 2:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:37 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 11:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मीन राशि 1 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार। घर में हो रहे झगड़ों के कारण आप फंसा हुआ सा महसूस करेंगे। पति या साथी के साथ बात करना हर समस्या को हल करने के अच्छा तरीका है। बड़े पैमाने पर निर्णय लें, काम पर अपने परिश्रम के फल का और सकारात्मक प्रतिक्रिया का आनंद लें। आज आप दयालु और भावनात्मक महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए आज का समय शुभ नहीं है। अपने सहज ज्ञान पर भरोसा और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गाड़ी ध्यान से चलाएं और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको और आपके प्रियजनों को नुकसान हो। जीवन सबको दूसरा मौका अवश्य देता है, जिसे कल कहा जाता है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर घर में उत्सव का माहौल रहेगा। कुछ समय अपनी हॉबी अथवा मन मुताबिक कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। शांतिपूर्ण वातावरण में रहने से आपको नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। परेशानियों के बाद भी केवल किसी एक ही बात पर ध्यान रखते हुए आप उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान को बेहतर करने की कोशिश करें। अपनी संगत सुधारने से व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आएगा। काम संबंधित जिन बातों को आप समझ नहीं सकते उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुभवी लोगों का साथ लें। रिलेशनशिप तोड़ने का निर्णय एकदम से ना लें। सावधानियां, दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। किसी भी तरह की समस्या होने पर अपनी विश्वसनीय मित्र के साथ जरूर विचार विमर्श करें। इससे निश्चित ही आपको कोई समाधान मिलेगा। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर अपनी नजर रखनी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। साथी या लिव इन पार्टनर के लिए यह समय मुश्किलों भरा हो सकता है। रिश्तों में गलतफहमी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ध्यान रखें इसकी वजह से आपके संबंधों में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इस वक्त कानूनी समझौते या ट्राई अप से दूर ही रहें। आज आप भावुक और विचलित हैं। खुद पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की सुने। आज आप अपनी दिनचर्या से ऊब सकते हैं ऐसे में अपने साथी के साथ कुछ समय बिताएं। बात करते हैं करियर की। अतीत को भुलाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ कुछ पल बिताकर आप अपनी मनोदशा को फ्रेश महसूस करेंगे। योजनाएं बनाएं लेकिन आज कोई खास निर्णय ना लें। सपने देखना ना भूलें क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। आज आपका दया भाव और भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें और विश्वसनीय लोगों से सलाह ले सकती हैं। आज गाड़ी धीरे चलाएं और नशे से बचें। याद रखें कि बड़े जोखिम या भारी नुकसान पूरी योजना पर पानी फेर सकता है। बात करते हैं सेहत की। बुखार तथा खांसी जुखाम जैसी समस्याएं परेशान करेगी। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें और व्यायाम एक्सरसाइज करना इसका उचित हल है।
महिलाओं को सेहत संबंधित तकलीफ अधिक रह सकती है। आज का उपाय, गरीबों को खाने की चीजों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।